नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रांजल जी को, हेमंत जी को, दीपाली यादव जी को, सुन्नत अली जी को, मोनाली सिंह जी को, तुलसी जी, सगुफ्ता जी, संतोष जी, पवन जी, सुनील जी, कंचन लता जी, श्रेम शर्मा जी, दिनेश चतुर्वेदी जी, राम शर्मा जी, दीपाली यादव जी, शिल्पी जी, उपदीप जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं आपके कमेंट्स के जवाब नहीं दे पाई हूँ, टाइम मिलते ही मैं आपको जवाब देती हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में हमने अष्ट छाप के चार कवियों के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। आज हम बाकी जितने भी बचे हैं चार, उनके बारे में पढ़ेंगे। आप में से बहुत ही जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं वो ही इन वीडियोज़ को देख रहे हैं, अदरवाइज मेरे चैनल का जो व्यूज़ हैं वो लगातार घटते ही चले जा रहे हैं। खैर, मैं फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कुछ लोगों को इसकी ज़रूरत है और वो लगातार मुझसे कह रहे हैं, इसलिए मैं इसके पूरे वीडियोस लेकर आपके सामने आऊँगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। कुंभन दास ये भी अष्ट छाप के एक और कवि थे और परमानंद जी के ही समकालीन थे, ठीक है। कुंभन दास जी परमानंद दास जी के समकालीन थे। वे पूरे विरक्त और धान मान और मर्यादा की इच्छा से कोसों दूर थे। कुंभन दास जी मर्यादा से, मान मर्यादा से या धान, मतलब हर चीज से एकदम विरक्त साधु थे, हर चीज से कोसों दूर थे। एक बार अकबर बादशाह के बुलाने पर इन्हें फतेहपुर सीकरी जाना पड़ा, जहां पर इनका बड़ा सम्मान हुआ, पर इसका इन्हें बराबर खेद ही रहा है, जैसा कि इस पद से व्यंजित होता है। उनको वहां बुलाया गया, उनको इस बात की खुशी नहीं थी, उनको बराबर इस चीज का खेद रहा था, है ना। और उन्होंने ये चीज अपने पद में व्यक्त भी की थी और ये पद बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा भी बहुत ज्यादा जाता है। संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पहनिया टूटी बिसरी गयो हरिनाम। जिनके मुख देखे दुख उपजत, तिनको करिबे पड़ी सलाम। कुंभन दास लाल गिरधर बिनु और सबे बेकाम, है ना। ये पंक्ति पूछी भी बहुत ज्यादा जाती है, ध्यान रखिएगा। इनका कोई ग्रंथ ना तो प्रसिद्ध है और ना अब तक मिला है, फुटकल पद अवश्य मिलते हैं। विषय वही कृष्ण की बाल लीला और प्रेम लीला। आप समझ रहे हैं, अष्ट छाप के सारे कवियों का विषय तो, वर्णन का विषय तो यही रहा है। एक इनका पद और दिया गया है, चलिए देख लेते हैं। तुम नीके दुह जानत गैया, चलिए कुंवर रसिक मनमोहन, लागो तिहारे पैया। तुम ही जानी करी कनक दोहनी, घरते पठही मैया। निकटई है ये खरिका हमारो, नागर लेह बलैया। देखियत परम सुदेश लरिकई, चेत चहुटियो सुंदरैया। कुंभन दास प्रभु मान लई, रति गिर गोवर्धन रैया, ठीक है। कुंभन दास जी के अब चलते हैं हमारे छठे अष्ट छाप कवि की ओर, जिनका नाम है चतुर्भुज दास। ये कुंभन दास जी के पुत्र और गोसाई विट्ठल नाथ जी के शिष्य थे। ये किसके शिष्य थे? विट्ठल नाथ जी के। और पुत्र किसके थे? कुंभन दास जी के, ठीक है। ये भी अष्ट छाप के कवियों में हैं। इनकी भाषा चलती और सुव्यवस्थित है। इनके बनाए तीन ग्रंथ मिले हैं, द्वादश यश, भक्ति प्रताप और हितजु को मंगल। याद ही होंगे ये ग्रंथ आपको, द्वादश यश, भक्ति प्रताप और हितजु को मंगल, चतुर्भुज दास। इसके अतिरिक्त फुटकल पदों के संग्रह भी इधर उधर पाए जाते हैं। एक पद नीचे दिया जाता है, जसुदा कहाँ कहो हो बात, तुम्हारे सुत के कर्तव्य मोपे, कहत कहे नहीं जात। भाजन भोरी ढारी सब गोरस, ले माखन दधिखात। जो बर जो तो आंख दिखावे, रंचो ना ही सकात। है और अटपटी कह लो वर्णो, छुवत पानी सो गात। दास चतुर्भुज गिरधर गुन हो,
काहती काहती सकुचार। ठीक है, चलिए छठे कवि जी के बारे में बात करते हैं। छीद स्वामी ये विट्ठलनाथ जी के शिष्य और अष्टछाप के अंतर्गत थे। पहले ये मथुरा के एक सुसंपन्न पंडा थे और राजा बीरबल ऐसे लोग इनके जजमान थे, है ना, बीरबल जैसे लोग इनके जजमान थे। पंडा होने के कारण ये पहले बड़े अखड़ और उद्दंड थे। पीछे गोस्वामी विट्ठल दास जी से दीक्षा लेकर परम शांत भक्त हो गए और कृष्ण का गुणानुवाद करने लगे। इनकी रचनाओं का समय संवत 1612 के इधर मान सकते हैं। इनके फुटकल पद ही लोगों के मुंह से सुने जाते हैं या इधर उधर संग्रहित मिलते हैं। छीद स्वामी जी के फुटकल पद ही मिलते हैं। इनके पदों में श्रृंगार के अतिरिक्त ब्रजभूमि के प्रति है ना प्रेम व्यंजना भी अच्छी पाई जाती है। हे विधाता तोसो अंचरा पसारी मांगो, जन्म जन्म दीजे याही ब्रजवासी बो। ठीक है, ये पंक्ति ध्यान रखिएगा, छीद स्वामी जी की ये पूछ ली जाएगी तो कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि इन्होंने बड़े ग्रंथ लिखे नहीं हैं, फुटकर पद मिलते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली है कि इन्होंने ब्रजभूमि से संबंधित पद लिखे है ना, तो ये देखिए यहाँ पे भी इन्होंने यही कहा है कि हे विदना तोसो अचरा पसारी मांगो, जन्म जन्म दीजे यही ब्रज बसी को। पद इन्हीं का है। अष्ट छाप के और कवियों की सी मधुरता और सरसता इनके पदों में भी पाई जाती थी, मतलब मधुरता और सरसता तो इन सब में थी। देखिए, चलिए पद देख लेते हैं। भोर भय नवकुंज सदन ते आवत लाल गोवर्धन धारी, लटपट पाग मगर मरग जी माला, शिथिल अंग डगमग गति न्यारी, बिन गुण माल विराजति उर पर, नकछत द्वजे चंद अनुहारी, छीत स्वामी जब चितये मोतन, तब हो निरख गई बलिहारी। ठीक है, चलिए अब जो आखिरी यानी आठवें अष्टछाप कवि हैं उनके बारे में देख लेते हैं। गोविंद स्वामी ये अंतरी के रहने वाले सनाढ्य ब्राह्मण थे, जो विरक्त की भांति आकर महावन में रहने लगे थे। पीछे गोस्वामी विट्ठल नाथ जी के शिष्य हुए। ठीक है, इन्होंने इनके रचे पदों से प्रसन्न होकर जिन्होंने इनके रचे पदों से प्रसन्न होकर इन्हें अष्टछाप में लिया। ये गोवर्धन पर्वत पर रहते थे और उसके पास में ही इन्होंने कदम्बों का एक अच्छा उपवन लगाया था। पूछा जाता है ये प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, अभी आपने देखा होगा कि लगभग हर पैरा से आपको लगता है अरे हाँ ये प्रश्न तो पूछा गया था, अरे हाँ ये प्रश्न तो बहुत ज़्यादा इन्हीं को कई जो किताबें होती हैं उसमें एक तरफ संकलित करके रख दिया जाता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत सारे प्रश्न, अगर इस किताब को तैयार कर लिया जाए तो बहुत सारे प्रश्न हमारे तैयार हो जाते हैं। उसके ही पास इन्होंने कदम्बों का एक अच्छा उपवन लगाया था, जो अब तक गोविंद स्वामी की कदम खंडी कहलाता है। आज भी वो वहाँ पर गोविंद स्वामी जी की कदम खंडी के नाम से जाना जाता है। इनका रचना काल 1600 और 1625 के भीतर ही माना जाता है। ये कवि होने के अतिरिक्त बड़े पक्के गवैया थे। तानसेन कभी कभी इनका गाना सुनने के लिए आया करते थे। ठीक है, तानसेन गोविंद स्वामी जी का गाना सुनने के लिए आते थे और गोविंद स्वामी जी की कदम खंडी आज तक प्रसिद्ध है। दो चीज़ें इनके बारे में जो विशेष हैं वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इनका बनाया एक पद दिया जाता है। प्रात समय उठ जसमत जननी, गिरधर सुत को उबटत निभावती, करि श्रृंगार बसन भूषण सजी, फूलन रच रच पाग बनावती, छूटे बंग बागे अति शोभित, बीच बीच चोब अरगजा लावती, सूथन लाल फूंदना शोभित, आज की छवि कछु कहति न आवती, विविधा कुसुम की माला उर्धारी, श्रीकर मुरली बेंत गहावती।
लय दर्पण देखे श्री मुख को गोविंद प्रभु चरणन शरणावती। ठीक है, यहाँ से हमारे ये अष्टछाप कवि पूरे होते हैं। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं हित हरिवंश जी को, ये भी कृष्ण भक्त थे। हित हरिवंश राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक गोस्वामी हित हरिवंश का जन्म 1559 में मथुरा से 4 मील दक्षिण बांध गांव में हुआ था। ठीक है, बांध गांव में मथुरा से 4 मील दक्षिण की तरफ। और यहाँ पे जो विशेष ध्यान देने वाली बात वो है, राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश जी राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक थे, ध्यान रखिएगा। राधा वल्लभी संप्रदाय के पंडित गोपाल प्रसाद शर्मा ने इनका संबंध 1530 माना है, जो सब घटनाओं पर विचार करने पर ठीक नहीं जान पड़ता। ओरछा नरेश महाराजा मधुकर शाह के राजगुरु श्री हरि राम व्यास जी संबत 1622 के लगभग आपके शिष्य हुए, आपके मतलब हित हरिवंश जी के। हित हरिवंश जी गौर ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम केशव दास मिश्र और माता का नाम तारावती था। ठीक है, कहते हैं कि हित हरिवंश जी पहले माधवानुयायी गोपाल भट्ट के शिष्य थे। पहले ये किसके शिष्य थे? गोपाल भट्ट के। पीछे इन्हें स्वप्न में राधिका जी ने मंत्र दिया और इन्होंने अपना एक अलग संप्रदाय चलाया। अतः हित संप्रदाय को माधव संप्रदाय के अंतर्गत मान सकते हैं, मतलब हित संप्रदाय को माधव संप्रदाय के अंतर्गत माना जा सकता है, क्योंकि पहले ये उस माधवानुयायी ही थे, गोपाल भट्ट के शिष्य थे, बाद में इन्होंने अपना एक अलग मत चलाया। ठीक है, तो हम हित संप्रदाय को माधव संप्रदाय के अंतर्गत भी मान सकते हैं। हित हरिवंश जी के 4 पुत्र और 1 कन्या हुई। पुत्रों के नाम बनचंद्र, कृष्णचंद्र, गोपीचंद्र और मोहनलाल थे। 2 चंद थे, 1 नाथ थे, 1 लाल थे इनके शिष्य पुत्र। गोसाई जी ने संवत 1582 में राधा वल्लभ जी की मूर्ति वृंदावन में स्थापित की और वहीं विरक्त भाव से रहने लगे। ये संस्कृत के अच्छे विद्वान और भाषा काव्य के अच्छे मर्मज्ञ थे। 170 श्लोकों का राधा सुधा निधि आप ही का रचा कहा जाता है। ब्रजभाषा की रचना यद्यपि बहुत विस्तृत नहीं है, तथापि बड़ी सरस और हृदयग्राहिणी है। आपके पदों का संग्रह हित 84 के नाम से प्रसिद्ध है। हित 84 में कितने श्लोक हैं? राधा सुधा निधि में कितने श्लोक हैं? 370। दूसरी चीज, ये संस्कृत के विद्वान और भाषा के अच्छे मर्मज्ञ थे, कूट में पूछा जा सकता है, क्योंकि कुछ विशेष थे ये, इन्होंने अपना वो भी संप्रदाय भी चलाया था। उसमें 84 पद हैं, हित 84 में 84 पद हैं, नाम से ही पता चल रहा है हित 84। हित मतलब इनके रचयिता का नाम हो गया, 84 पद हैं। प्रेमदास की लिखी इस ग्रंथ की बहुत ही बड़ी टीका 500 पृष्ठों की, 84 पदों की 500 पृष्ठों की टीका ब्रजभाषा गद्य में है, जिसे प्रेमदास जी ने लिखा था। ठीक है, इनके द्वारा ब्रजभाषा की काव्यश्री के प्रसार में बड़ी सहायता पहुंची थी, मतलब इनके द्वारा जो ब्रजभाषा का काव्य था उसका बहुत ज्यादा प्रसार प्रसार हो सका। इनके कई शिष्य अच्छे अच्छे कवि हुए हैं। हरि राम व्यास ने इनके गोलोकवास पर बड़े चुभते पद कहे हैं, हरि राम व्यास ने। ठीक है, सेवक जी ध्रुवदास आदि इनके शिष्य बड़ी सुंदर रचना कर गए। अपनी रचना की मधुरता के कारण हित हरिवंश जी श्री कृष्ण की बंसी का अवतार माने जाते हैं, क्योंकि स्वामी हित हरिवंश जी ने जो रचनाएं की वो बहुत ही मधुर थी, तो उनकी तुलना बंसी की धुन से करते हुए इन्हें कृष्ण जी की बंसी का अवतार माना गया। इनका रचना काल संवत 1600 से संवत 1640 तक माना जा सकता है। हित 84 के अतिरिक्त इनकी फुटगल वाणी भी मिलती है, जिसमें सिद्धांत संबंधी पद हैं। इनके हित 84 पर लोकनाथ कवि ने एक टीका लिखी है। वृंदावन ने इनकी स्तुति और वंदना में हित जी की सहस्रनामावली और चतुर्भुज दास जी ने हित जी को मंगल लिखा है। इसी प्रकार
हित परमानंद जी और ब्रज जीवन दास जी ने इनकी जन्म बधाइयाँ लिखी हैं। ठीक है, हित हरिवंश जी की रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं जिनसे इनकी वर्णन की प्रचुरता का परिचय मिलेगा। सिद्धांत संबंधी कुछ फुटकल पदों से लिए गए हैं ये। ठीक है, रहो को काहू मनह दिए मेरे प्राण नाथ श्री श्यामा सपत करो तिन छिए जो अवतार कदम भजत है धारी दृढ़ व्रत जो हुए तेई उमगी गर तरज मर्यादा बन बिहार रस पिए खोए रतन फिरत जो घर घर कौन काज जिम इमिजिए हति हित हरिवंश अनत सच नाही बिनया रस ही पिए। ये हित 84 के कुछ उदाहरण दिए। ब्रज नव तरुण कदम्ब मुकुटमणि श्यामा आज बनी नख सिखलो अंग अंग माधुरी मोहे श्याम धानी यो राजत कबरी गूथित कच कनक कंज बदनी चिकुर चंद्रिकन बीच आधार बिन विधु मानो ग्रसित फनी सौभग सिर श्रा एक सेकेंड सौभग रस सिरस्रावत पनारी प्रिय सीमंत ठनी भ्रुकुट श्याम को दंड नयन सर कच्चर रेख अनी भाल तिलक तांटक गंड पर नासा जलज मनी दसन कुंद सर साधर पल्लव पीतम मन समनी हित हरिवंश प्रशंसत श्यामा कीरत विसद धनी गावत श्रवणन सुनंत सुखाकर विश्व दुरित दवनी। विपिन घन कुंज रति के लिए भुज मेली रुचि श्यामा श्यामा मिले सरद की जमनी जामिनी हृदय अति फूल रसमूल प्रिय नागरी कर निकर मत्ता मनु विविधा गुण रागिनी सरस गति हास परिहास आवेश बस दलित दल मदन बाल कोक रस कामिनी हित हरिवंश सुन लाल ल्यान विधे प्रिय अतिसूर सुख सूरत संग्रामिनी। इसके बाद अगर बात करें गदाधर भट्ट की, ये दक्षिणी ब्राह्मण थे। इनका जन्म संवत आदि ठीक ठीक पता नहीं है, पर यह बात प्रसिद्ध है कि ये चैतन्य महाप्रभु को भागवत सुनाया करते थे। याद रखिएगा, पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, गदाधर भट्ट जी चैतन्य महाप्रभु को भागवत सुनाया करते थे। किसी का मूड आ गया तो पूछ सकता है। इसका समर्थन भक्तमाल की इन पंक्तियों में भी होता है, क्योंकि पंक्तियों में होता है तो आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। भागवत सुधा बखाने बदन काहू को नाहिन दुखद गुण निकर गदाधर भट्ट अति सब ही को लागे सुखद। ठीक है, इनके विषय में यही एक खास बात भी है कि ये माँ चैतन्य महाप्रभु को भागवत सुनाते थे। और ये पंक्तियाँ भी ध्यान रख लीजिएगा, एक ही पॉइंट है मेन। चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव 1542 में और गोलोकवास 1584 में माना जाता है। अतः 1584 के भीतर ही अपने श्री महाप्रभु ने दीक्षा ली होगी। महाप्रभु के जिन 6 विद्वान शिष्यों ने गौड़ी संप्रदाय की मूल संस्कृत ग्रंथों की रचना की, उसमें जीव गोस्वामी भी थे। जीव गोस्वामी के गुरु कौन हुए? चैतन्य महाप्रभु, ये भी उनके शिष्य थे। ये वृंदावन में रहते थे। एक दिन 2 साधुओं ने जीव गोस्वामी के सामने गदाधर भट्ट जी का ये पद सुनाया। ठीक, कौन सा पद सुनाया? सखी हो श्याम रंग रांगी देखी बिकाए गई वह मूरत सूरत माही पगी संत हो तो अपनो सपनों सो सोई रही रस खोई जागे हूँ आगे रस जी परे सखी नेक ननियारो होई। फिर क्या हुआ? अच्छा, पद और बड़ा है, चलिए। एक जो मेरी आखिन में निस द्योस रहो करी भौन
गाय चरावन जात सुनो सखी सोधो कन्हैया कौन, गासो हो कौन पति आवे कौन करे बकवाद, कैसे कह कहीं जाति गदादर गूंगे ते गुरु स्वाद। इस पद को सुन जीव गोस्वामी जी ने भट्ट के पास यह श्लोक लिख के भेजा। अनाराधे राधाम राधा पदाम भोज युग्म माश्रित्य वृंदा टवि तत्पदाम असंभस्य तद्भाव गंभीर चित्तान कुतुह श्याम सिंधो रहस्याव गाहा। यह श्लोक पढ़कर भट्ट जी मूर्छित हो गए और फिर सुध आने पर सीधे वृंदावन जाकर चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हुए। इस वृत्तांत को यदि ठीक माने तो इनकी रचनाओं का आरंभ 1580 से मानना पड़ता है और अंततः संवत 600 के पीछे। इस हिसाब से इनकी रचना का प्रादुर्भाव सूरदास जी के जीवन काल के साथ साथ अथवा उसके कुछ पहले मानना होगा, सूरदास जी के जीवन के काल के साथ साथ या उससे थोड़ा पहले मानना होगा। संस्कृत के चूड़ांत पंडित होने के कारण शब्दों पर इनका बहुत विस्तृत अधिकार था। इनका पद विन्यास बहुत ही सुंदर है। गोस्वामी तुलसीदास जी के समान इन्होंने संस्कृत पदों के अतिरिक्त संस्कृत गर्भित भाषा कविता भी की है। कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। जयति श्री राधिके सकल सुख साधिके तरुण मन नित्य नव तन किशोरी, कृष्ण तन लीन मन रूप की चात की कृष्ण मुख हिम किरण की चकोरी, कृष्ण द्रग भ्रंग विश्राम हित पद्मिनी कृष्ण द्रग मृगज विधान सुडोरी, कृष्ण अनुराग मकरंद की मधुकरी कृष्ण गुणगान सिंधु रस सिंधु बोरी, विमुख पर चित्त ते चित्त जाको सदा करत निज नाह के चित्त चोरी, प्रकृति की ये गदाधर कहत कैसे बने अमित महिमा इते बुद्धि थोरी, अमित महिमा इते बुद्धि थोरी झूलत नागर नाल की। ठीक है। मंद मंद सब सखी झुलावत गावत गीत रसाल, फर हरात पट पीत नील के अंचल चंचल चाल, मनहु परस्पर उमग ध्यान छवि प्रकट भई तेहि काल, सिलसिलात अति प्रिया सील ते लटकति बेनी भाल, जनप्रिय मुकुट बरहि भ्रम बस तह ब्याली सकल विकल बिहाल, मल्लिमाल प्रिया की उर की प्रिय तुलसी दल माल, जन सुर सरि रवि तनिया मिलके शोभित श्रेणी मराल, श्यामल गौर परस्पर प्रति छवि शोभा बरद विशाल, निरखि गदाधर रसकि कुमार मन पर्यो सुरस जंजाल। ठीक है। पर्यो सुरस जंजाल। दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो मैं खत्म करूंगी। आगे जितने भी कृष्ण भक्त रह गए हैं कभी उनकी अगले वीडियो में बात करके यहीं से हमारा कृष्ण भक्ति शाखा का जो वीडियोस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और हम इसके आगे बढ़ेंगे। बहुत कुछ तैयार हो गया है हमारा, है ना। राम भक्त शाखा तैयार हो गई हमारी, प्रेमाश्रयी ज्ञानाश्रयी कृष्णाश्रयी, अब देखिए रामाश्रयी अब कृष्णाश्रयी भी एक और वीडियो के साथ में पूरी हो जाएगी। आप सभी जो भी देख रहे हैं वो अपना भी भला कर रहे हैं और मेरी मेहनत को भी सफल बना रहे हैं। कमेंट्स वगैरह करते रहिएगा, अच्छा हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, जो पढ़ने वाले हैं कम से कम उन तक पहुँच जाए जो विस्तृत ढंग से पढ़ना चाहते हैं। ठीक है। चलिए इसी के साथ मैं आज का वीडियो ख़त्म करती हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए।